हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के लिए। कई सारी आप लोगों की समस्याएं आ रही हैं कि जो एडमिट कार्ड है, कल की डेट पे देखिए बोर्ड ने जारी कर दिया था, ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, या उन्होंने जिस नंबर से किया है वो नंबर बंद हो गया, या कई सारी समस्याएं, कोई भी इशू आ रहा है। तो आप लोग अपना पासवर्ड कैसे चेक कर सकते हैं, और पासवर्ड के साथ साथ यूज़र आईडी कैसे चेक कर सकते हैं, पासवर्ड अगर यूज़र आईडी या पासवर्ड नहीं पता है तो आप लोग कैसे उसको जनरेट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, चलिए इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब अगर आप हमसे अभी तक जुड़े नहीं हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन को दबा करके जुड़ सकते हैं, बगल में बेल आइकन को प्लस कर सकते हैं। देखिए, बेल आइकन को प्रेस करने से सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ से प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि उसमें मैंने पेपर्स भी करवा रखे हैं 2016, 2017, 2018 के, तो वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं। चलिए देखेंगे एडमिट कार्ड आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये आपको दिख रहा है, डाउनलोड एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा वो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आपसे इंस्ट्रक्शन के लिए बोलेगा, इंस्ट्रक्शन नीड रीड करने के लिए आप इसको रीड करने के बाद में क्लोज कर दें। यहाँ पर बोल रहा है कैंडिडेट अपना यूज़र आईडी डालें और पासवर्ड डालें। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में आप अपने प्रोफाइल में पहुँच जाते हैं, यानी वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड के लिए नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आप अपनी यूज़र आईडी बताएं, और यहां पर अपना ये बताएं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपने जो मोबाइल नंबर उसमें मेंशन किया था, जो मोबाइल नंबर डाला था फॉर्म भरते समय, वही आपको मोबाइल नंबर यहां पर डालना है। डालने के बाद में आप नीचे यहां पर कैप्चा डालें। कैप्चा डालने के बाद में क्या करेंगे, गेट पासवर्ड में करेंगे तो पासवर्ड जनरेट होकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही पासवर्ड जनरेट होता है, फिर आप यहां पर क्या करेंगे कि बैक टू लॉगिन पे जाएंगे। बैक टू लॉगिन में जैसे ही आप जाते हैं तो फिर से वही पेज आपका ओपन हो जाएगा जो कैंडिडेट लॉगिन वाला पेज था। आप अपने यहाँ पासवर्ड डालिए और यूज़र आईडी आई थिंक सभी के पास में होगी, अगर आपने कहीं भी कैफे से जाकर के कहीं से भी फॉर्म ऑनलाइन करवाया है तो यूज़र आईडी आपके पास में आ गई होगी। आपने ईमेल आईडी अपनी डाली होगी, ईमेल में चेक कर लीजिए, ईमेल में आपके पास आ गया होगा यूज़र आईडी जो है, और पासवर्ड हो सकता है कि आपके पास ईमेल आईडी में ना हो या आ गया हो, ठीक है। क्योंकि जब आपने फॉर्म ऑनलाइन किया होगा तो आपकी एक यूज़र आईडी जनरेट हुई होगी, ठीक है, और पासवर्ड भी साथ में जनरेट हुआ होगा। तो यहाँ से पासवर्ड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इस पूरी वीडियो में आपको पता चला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जिनको ऐसी समस्या आ रही है डाउनलोड से रिलेटेड, एडमिट कार्ड डाउनलोड से रिलेटेड, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, अच्छी से प्रिपरेशन करते रहें, साथ में जुड़े रहें, आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। धन्यवाद।